हाय, दिस इज मनीषा सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गया है, तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं रिकॉल करा दूंगी कि मतलब क्या सब पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो चलिए वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आपको पहले भी बताया है कि टोटल पोस्ट आई है 11,098, मेल्स के लिए है 7,214 एंड फीमेल्स के लिए है 3,884 सीट्स। रही बात इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 27 सितंबर से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 11 नवंबर 2023 रहने वाला है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, अगर आप चाहते हो कि फॉर्म अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म की फ़ी की बात करें अगर, तो एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड फीमेल जो बिहार डोमिसाइल के होंगे उनका 135 रुपीज़ लगने वाला है एंड अदर कैंडिडेट जो भी हो उनका 540 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लिया जाएगा। रही बात एज लिमिट की, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023, मतलब कि 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट मेल का मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया है एज का लिमिट। रिलैक्सेशन भी मिलता है बीसी ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 3 ईयर्स का एंड एससी एसटी को ये रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का। चलिए अभी थोड़ा सा सिलेक्शन की प्रोसेस भी समझा देती हूँ आप सभी को। सबसे पहले होगी आपको प्रीलिम्स की एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपको आपकी टाइपिंग एंड डीवी की टेस्टिंग होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो आप जैसा कि देख सकते हो 11,000 सीट्स है, सिलेक्शन प्रोसेस में दो दो एग्ज़ाम है प्री एंड मेंस का, तो आप कहाँ से इसकी तैयारी करोगे कि इस बार आप अपना एक सीट अचीव कर पाओगे। तो मैं आपको एक अच्छा बुक सजेस्ट कर देती हूँ इसके प्रिपरेशन के लिए, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये है किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के लिए किताब है। नवीनतम हल प्रश्न पत्रों सहित ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। 30 सेट्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय एवं इंटर स्तरीय प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का सॉल्व पेपर 2011 से अब तक का व्याख्यात्मक हल सहित भी दिया जाएगा। ये बुक आपको मिल जाएगा आपके नजदीकी किताब दुकान पे, या फिर ऑनलाइन परचेज करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि प्री का एग्जाम पैटर्न क्या है। प्री में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा 600 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टाइम मिलेंगे 2 आवर एंड 15 मिनट के। निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 यानी 0.25 का, जिसमें से जीके के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मैथ प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मतलब कि 25 मैथ का क्वेश्चन और 25 साइंस का ओवरऑल 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। सो, ये आपका ओवरऑल प्री का एग्जाम पैटर्न था। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मेंस का एग्जाम पैटर्न समझा देती हूँ। मेंस में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में हिंदी के 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए रहेंगे। टाइम मिलेगा 2 आवर्स 15 मिनट का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 0.25 का रहता है। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के लिए, निगेटिव यहाँ पर भी 0.25 यानी 1/4 का है। टाइम यहाँ भी आपका 2 आवर्स 15 मिनट रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज जीके के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मैथ्स प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि मेंस का भी एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका होगा टाइपिंग एंड डीवी, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आप फॉर्म सही ढंग से अप्लाई करोगे, फॉर्म एक्सेप्ट होगा, तभी जाके आपको आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो पूरी करने दी जाएगी। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आधार या फिर पैन कार्ड जो भी हो,
और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ईमेल आईडी, उसके साथ आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड यहाँ पर ना फोटो अपलोड जो आप पहले करते थे, तो जो बिहार का जो भी अभी फॉर्म आ रहा है, लाइक अभी रिसेंटली बीपीएससी का फॉर्म आया था तो उसमें लाइव फोटो खींचा गया था, मतलब जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस टाइम लैपटॉप या फोन जिससे भी आप करोगे आपका उसी टाइम फोटो खींचा जाएगा। तो लाइव फोटो प्लस आपका साइन अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो ईबीसी एंड बीसी वाले होंगे वो यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे, जाति प्रमाण पत्र एससी एंड एसटी के लिए। तो ये सारे एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको रिक्वायर्ड रहेगा। रही बात की जॉब की ज्वाइनिंग के बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वही सैलरी आपको मिलेगी, पोस्ट वाइज वैरी करता है तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने पहले भी इसका वीडियो अपलोड किया है डिटेल में, आप उसको भी देख सकते हो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके वहां पे भी क्वेरीज पूछ सकते हो, और सारे जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे ही पोस्ट करती हूँ, तो आप वहां पे जरूर मुझे फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।